हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से सब लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। आप सभी को पता है रेलवे एग्जाम्स नजदीक आते चले जा रहे हैं, तो इस समय पे जो सबसे जरूरी चीज है मैं वो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लगातार लगातार आप देख रहे होंगे मैराथन भी चल रही है, लगातार मैं रीजनिंग के चैप्टर्स को भी कवर कर रहा हूँ, और लगातार मेरी कोशिश है कि गणित के भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है या जो इंपॉर्टेंट बातें आपके पेपर में आनी है उनको आपके दिमाग में एक बार रिवाइज करा दूं। तो इस क्लास के अंदर हम लोग एलजेब्रा पर अटैक करेंगे और फंसाने का प्रयास करेंगे कि भाई एग्जाम में इस क्लास से 2 से 3 सवाल आपके फंस जाएं। वो आप अभी देखेंगे जब क्लास कंप्लीट होगी कि क्यों सर ऐसा बोल रहे थे, क्यों सवाल फंसने की उम्मीद है, और ये सब समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे पूरी क्लास। अभी आ गया है ना, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है, 2x की स्पीड लगा लेना अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए विद्यार्थी हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। डायरेक्ट शुरू करता हूं, एलजेब्रा, एलिमेंट्री एलजेब्रा, ठीक है भाई। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोग सीखेंगे x प्लस 1/x पर आधारित फॉर्म वाले सारे सवालों को। तो उसकी शुरुआत जो है वो कहां से होगी? वो होगी प्लस और माइनस के एक शानदार कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये क्या है सर? जैसे कभी भी जीवन में अगर x प्लस 1/x बराबर आपको रूट एन दिया हो, क्या दिया हो? रूट एन, ठीक है, और आपको x माइनस 1/x निकालना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कुछ मत करना, ये जो रूट के अंदर यहां n लिखा था ना, इसमें से 4 को माइनस कर देना। समझ में आया? अगर मेरे प्यारे भाई आपको x प्लस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू रूट एन दियो, ठीक है, x माइनस 1/x का मान कितना दिया हो? रूट एन, और आपको x प्लस 1/x का अगर यात्रा तय करना है तो कुछ मत करना, इस n में 4 जोड़ देना। समझ में आया भैया? ये दो बातें मोटी मोटी समझ में आई कि अगर कभी भी जीवन में आपको x प्लस का मान दिया हो, माइनस पे पहुंचना हो, तो 4 घटा देना, माइनस का दिया हो, प्लस पे पहुंचना हो, तो 4 जोड़ देना। ये एक बहुत मोटी बात थी, मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं और वहां से दिमाग में चीजों को डालने का प्रयास करता हूं। बाबू अगर कभी आपको मान लो x प्लस 1/x का मान √13 दिया हो और आपको किसी सवाल में x माइनस 1/x की जरूरत पड़ रही हो, क्या पढ़ रही हो? जरूरत पड़ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? प्लस से माइनस जाने के लिए ये जो √13 है इसमें 4 माइनस कर देंगे, यानी √9, और यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा? √9 का मतलब 3 होता है। जो मैंने अभी आपको सिखाया वो क्या है कि प्लस से अगर माइनस जाना है, पावर सेम रखनी हो, ठीक है, पावर 1 1 हो एक्स की, और प्लस से माइनस पे जाना है अगर, तो 4 माइनस कर देंगे, और माइनस से प्लस पे जाना हो अगर तो 4 प्लस कर देंगे। शर्त यह है इस कॉन्सेप्ट की कि इस पे रूट लगा होना चाहिए एन पर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जरूरी तो नहीं कि हमेशा रूट लगा हो, और तब अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाना है तो क्या करेंगे? वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को सिखाने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। मान लो बाबू कभी x प्लस 1/x का मान मैंने आपको दे दिया 4, और मैंने कहा कि ये बताओ x माइनस 1/x क्या होगा। मैंने क्या कहा कि x माइनस 1/x बताओ क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अब यहां तो रूट है ही नहीं, तो 4 में से 4 घटा, 0 मत कर देना। एक्चुअल में अब क्या करना, ये जो 4 लिखा है ना बाबू, इस 4 को तुम √16 तो लिख सकते हो ना, मतलब रूट यहां नहीं लिखा था लेकिन रूट में हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं किसी नंबर को। मान लेते हैं मेरे भाई यहां 5 लिखा हो तो √25 लिख देंगे, मान लो यहां 3 लिखा हो तो √9 लिख देंगे, अगर मान लो कुछ भी ऐसा नंबर लिखा हो तो वो किसी ना किसी को हम रूट लिख रूट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो यहां पर 10 लिखा हो तो हम उसको √100 लिख देंगे, मतलब रूट में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे ना भाई। और जैसे रूट में आएगा, अब प्लस से माइनस पे जाना है, तो क्या चीज मैंने आपको बताई थी कि इसमें से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा √12। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, प्लस से माइनस पर या माइनस से प्लस पे जाने वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरे एलजेब्रा के अंदर जो एलिमेंट्री फॉर्म है वो एक्स प्लस 1/x का जो एक भाग है उसके कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट हमें शॉर्ट फुंतरु सीखने हैं। आप सभी लोग जरा बोर्ड पर ध्यान से देखें, बाबू अगर जीवन में कभी भी आपको एक्स प्लस 1/x का मान n दिया हो तो यहां से कुछ बातें हैं जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछेगा, मतलब पावर 2 पूछेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, n का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। यहां n कुछ भी हो
सकता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में, रूट में, कुछ भी हो सकता है। आपको अगर पावर एक से पावर दो जाना है तो एन स्क्वायर माइनस टू करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान निकालना है तो एन क्यूब माइनस थ्री एन करना पड़ेगा। अगर एक्स की पावर चार प्लस एक बटा एक्स की पावर चार का मान निकालना है तो एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू करना पड़ेगा। एन स्क्वायर माइनस टू है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस टू करना पड़ेगा। एक्स की पावर पांच प्लस एक बटा एक्स की पावर पांच निकालना है अगर आपको, तो मेरे प्यारे भाई एन स्क्वायर माइनस टू एक ब्रैकेट में, दूसरे में एन क्यूब माइनस थ्री एन और बाहर माइनस का एन, पांच वाली पावर का ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही अगर कभी जीवन में आपको जरूरत पड़ जाए एक्स की पावर छह प्लस एक बटा एक्स की पावर छह निकालने का, तो उस केस में आप क्या करोगे, एन क्यूब माइनस थ्री एन का होल स्क्वायर माइनस टू करोगे, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी ये बोर्ड पर लिखे हैं ये किस फॉर्म के लिए है, जब x प्लस एक बटा x अगर आपको n दिया हो, ठीक है। जब प्लस में ये वैल्यू दी गई हो तो इनमें से कोई भी पावर अगर आपको कभी निकालनी हो तो आप ये वाला डायरेक्ट जो शॉर्ट फुंतरू मैंने आपको बताया है इसका उपयोग करोगे, ठीक है मेरे भाई। अब इस पर आधारित हम लोग सवाल करेंगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको यहां प्लस की जगह माइनस दिया होगा। जब प्लस की जगह पर यहां माइनस दिया होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मतलब माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके कितने ज्यादा काम आने जा रहा है इस क्लास के अंदर। डायरेक्ट सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, तब आपकी चीजें दिमाग में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगी। और भी फैक्ट मुझे आपको सिखाने हैं, बट वो जब सवाल आएगा ना अभी आगे तब सिखाऊंगा, ठीक है। सभी लोग जरा ध्यान से ऊपर देखो। जैसे पहला सवाल है कि भाई x प्लस एक बटा x आपको तीन दिया है और x स्क्वायर प्लस एक बटा x स्क्वायर आपको निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, एक पावर से दो पावर निकालना है ना, दोनों जगह प्लस है, तो n स्क्वायर माइनस टू आपको फॉर्मूला लगाना है। n कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके सवाल का, सेवन, ऑप्शन ए। पहली बात क्लियर हो पाई, आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लो x प्लस एक बटा एक्स आपको चार दिया है और आपको x स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर निकालना है, तो फिर से पावर एक से पावर दो पे जाना है, तो n स्क्वायर माइनस टू कर दोगे तो चार का स्क्वायर सोलह और सोलह में से दो घटा दोगे अगर, तो यानी कि पहले वाले सवाल का आंसर आ गया चौदह। एक सवाल में दो सवाल है। अब यहां पर मैंने पावर चार भी पूछ लिया, तो पावर चार का फॉर्मूला देखो, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था पावर चार का फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू है ना, तो यही पावर चार का फॉर्मूला आपको यहां पर क्या करना है, उपयोग करना है। आप क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू कर देंगे, एन की वैल्यू चार है, चार का स्क्वायर सोलह माइनस दो चौदह और चौदह का स्क्वायर करके दो घटा देंगे, तो 196 में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा, 194। तो इस सवाल का जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, 14.194। समझ में आया, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मान लो अब यहां माइनस आ गया, जरा ध्यान से सुनना, दोनों जगह अगर प्लस प्लस है तब तो वो कितने भी पावर तक पूछ लेगा, आप सवाल कर लोगे, मैंने फॉर्मूले बताए अभी और भी आएंगे। लेकिन अब हम आते हैं, अगर यहां माइनस दिया हो कि x माइनस एक बटा एक्स तीन है और आपको निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, मतलब वैल्यू दिया माइनस की पूछी प्लस की है, तो उस केस में आपको क्या करना है बाबू, जो पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था ना उसका यूज करना है, मजा आ जाएगा, मजा, मैं वादा करता हूं। अगर आप लास्ट तक पूरी क्लास आज देखते हैं दिल खुश हो जाएगा आपका। आप ये कहोगे सर वास्तव में कुछ ना कुछ आज बहुत बढ़िया सीखने को मिला और सारी कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई। ठीक, मैंने कहा कि अगर x माइनस एक बटा एक्स तीन आपको दिया है और आपको माइनस देके प्लस का वैल्यू पूछा है तो माइनस वाले वैल्यू को प्लस बना लो। जैसे ये बताओ, जो ये x माइनस एक बटा एक्स आपके सामने तीन लिखा है, क्या मैं इसको रूट नौ लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना, क्या मैं इसको रूट नौ लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। एक बात बताओ, अभी बताया था कि अगर माइनस से आपको प्लस पे जाना है मतलब x प्लस एक बटा एक्स निकालना है तो आप इसमें चार जोड़ देना तो x प्लस एक बटा एक्स रूट तेरह आ जाएगा क्या, और जैसे ही x प्लस एक बटा एक्स आपका आया वैसे ही मेरे प्यारे भाई आपको प्लस का मामला मिल गया और प्लस का ही पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला वही वाला लगा के सिंगल फॉर्मूले से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, जैसे x प्लस एक बटा एक्स रूट तेरह आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस टू, एन कितना है यहाँ रूट तेरह, रूट तेरह का स्क्वायर तेरह होगा, तेरह में से दो घटाओगे इसका आंसर ग्यारह आ गया। यहां आ जाओ, ये होता है एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, तो एन की वैल्यू कितनी है रूट तेरह, रूट तेरह का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट तेरह का स्क्वायर हो जाएगा तेरह, तेरह माइनस दो ग्यारह और ग्यारह का
पर 121 माइनस 2, 121 माइनस 2 करोगे तो 119, ठीक है भैया, फॉर्मूला लगा हुए आपका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, तो देखो इसका फॉर्मूला अभी बताया था ना पीछे, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये लगाया, एन की वैल्यू रूट तेरह का स्क्वायर 13, 13 में से 2 11, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, ऐसे, ठीक है भाई। धीरे धीरे एकदम से मामला क्लियर होता चला जाएगा, बस देखते रहो। जैसे यहां देखो x माइनस 1 बटा x, फिर से माइनस दे दिया सर, और पूछा प्लस का है, आपने फॉर्मूला तो प्लस प्लस वाला बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट भी तो सिखाया था कि माइनस से प्लस पे जंप कैसे करेंगे, आपको माइनस से प्लस पे जंप कर जाना है कि x प्लस 1 बटा x यहां कितना होगा ये बताओ, अगर माइनस ये है तो प्लस कितना होगा, तो इस 4 को क्या मैं रूट 16 लिख दूं क्या, यहां पर रूट 16, जरा समझना, रूट 16, अब माइनस से प्लस जाना है तो मेरे भाई आप 16 में 4 जोड़ देंगे, तो मेरे दोस्त x प्लस 1 बटा x कितना हो जाएगा, रूट 20 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर पता करना है, ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो रूट 20 का स्क्वायर 20 रहेगा, और 20 में से 2 माइनस कर दोगे अगर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 18, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर कितना आ जाएगा 18, ठीक। ऐसे मान लो पावर 4 आपको निकालनी हो, अब पावर 4 जब आपको निकालनी है तो यहां पर आप क्या करोगे, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो एन की वैल्यू यहां पे रूट 20 है, तो रूट 20 का स्क्वायर करोगे 20 माइनस 2 करोगे 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 घटा दोगे 322, है ना। तो ये चीज जो है ना मन में कैलकुलेशन करनी है, देखो जैसे जैसे आप चीजें अभी सीखते रहोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि प्लस का ये रूट 13, ये रूट 20 दिया है और यहाँ पे आपको निकालना है, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, वो फॉर्मूला लगाओगे 322 आएगा और n की वैल्यू वहां कितनी होगी, रूट 20 होगी, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे सवाल आज की क्लास में आपके सामने आएंगे, आपका दिल गार्डन होगा। x प्लस 1 बटा x कितना है, 3 है, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब पूछा है, दोनों जगह प्लस प्लस है कि नहीं है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, n क्यूब माइनस का 3n, तो 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 तो 9, 27 में से 9 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सवाल का, 18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, समझ में आया। आगे देखो, मान लो यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो फिर से भाई n क्यूब माइनस 3n लगाओगे, n कितना है 4, 4 का क्यूब 64 और माइनस 3n तो 4 3 12, 64 में से 12 घटाओगे 52, सवाल का आंसर आ जाएगा 52, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस, दोनों ही जगह माइनस है, तो मेरे भाई अगर दोनों जगह माइनस है, दोनों ही जगह अगर माइनस है तब आपको इससे प्लस पर जंप नहीं करना है, अगर दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस जब हो तो क्या करना है, जैसे उस फॉर्मूले में जब दोनों जगह प्लस होता है, जब दोनों जगह प्लस होता है तो एन क्यू माइनस 3n होता है ना, और दोनों जगह अगर यहां माइनस हो तो एन क्यू प्लस 3n हो जाएगा, बस इतना समझ लो, ठीक है भैया। क्या कहा कि अगर मेरे दोस्तों यहां दोनों जगह प्लस जब होता है तो यहां पे माइनस होता है कि नहीं होता है, अगर दोनों जगह माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा बीच में, बस इतना समझ लो, ठीक। तो यहां 4 का क्यूब करोगे 64 और 64 में 4 3 12 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया आपका, आंसर आ जाएगा 76 यानी कि 76। बोलो बात क्लियर है, जल्दी बताओ सभी लोग, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। अगला गौर से देखो, मान लो यहां x प्लस 1 बटा x 4 आ गया, ठीक, और x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 पर निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दोनों जगह प्लस है ना, तो एन स्क्वायर माइनस 2 और एन क्यू माइनस 3n और माइनस का n बाहर, इसके लिए यही तो फॉर्मूला बताया था पावर 5 के लिए, यहां एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब 64 में से 2 घटा दो, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा दो 14, गुणा 4 का क्यूब 64 और 4 3 12 मतलब कि 52, ठीक है, और माइनस करेंगे यहां पर हम लोग n यानी कि 4 को, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 2 14 2 28 की 8 आ जाएगा यहां पर, और 14 5 70 और 2 72 728 में से 4 घटाएंगे तो सवाल का जो इसका आंसर आएगा वो 724 आएगा, ठीक है, सवाल का जो आंसर आएगा वो 724 आएगा। यहां विनोद ने ऑप्शन तो सही लिखे हैं लेकिन ये ऑप्शन इस सवाल के नहीं है, देखो अगर बाबू कभी भी ध्यान से सुनो, अगर x प्लस 1 बटा x का मान जब 5 दिया हो, ऊपर देखना सभी लोग, जब 5 दिया हो और तब यही नंबर आपको निकालना हो, x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5, तो ये फॉर्मूला लगाओ तब इनमें से कोई एक आंसर आएगा, ये 5 के ऑप्शन होते हैं मेरे भाई, तो 5 के स्क्वायर 25 में से 2 घटा दो 23 आ जाएगा, गुणा
पांच का क्यूब 125 माइनस पांच या 15, 125 माइनस 15 110 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का n यानी कि 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 253 यानी 2530 माइनस 5, ठीक है। तो आंसर आएगा 2525, ठीक है भैया। तो ये जो 2525 आंसर है ना, वो तब है जब x प्लस 1 बटा x 5 दिया हो। तो ये दूसरा सवाल है, ये 4 जब दिया होगा ना तब यही आंसर आएगा। ये ऑप्शन इस वाले सवाल के है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट देखो, जैसे यहां x प्लस 1 बटा x 4 दे दिया, ये सवाल जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त। जब प्लस दिया हो, गौर से सुनना, अगर दोनों जगह माइनस होता तो इशू नहीं था। अगर जैसे x प्लस 1 बटा x आपको 4 दिया है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर पूछ लिया जाए, अब यहां तो प्लस दिया है, पूछा माइनस में, तो थोड़ा यहां कलेश हो जाता है ऐसे सवाल में। ऐसे सवाल के कलेश के लिए आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है क्या, बोलो। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्चुअल में क्या है कि अभी जब मैंने एक बार, जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो कई बार हमसे भी पढ़ाते वक्त इसमें मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये मिस्टेकन पॉइंट है, रियल बात बता रहा हूं। ये मिस्टेकन पॉइंट इसलिए कि जब यहां प्लस है, जैसे मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान ना देने की वजह से मैंने यहां माइनस समझ लिया, तो हमें यहां फॉर्मूला लगा देंगे एन स्क्वायर प्लस 2 और 4 का स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 हो सकता है, आंसर लगा दो। ऐसा कई बच्चों से हो जाता है, तो ये एक तरीके से मतलब आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर कभी भी आपको मेरे प्यारे भाई, आप ऐसे समझ लो, कुछ भी ऊपर दिया हो, अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर ये निकालना हो अगर कभी, तो यहां इस वाले फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया जाता है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, अगर हम इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगाएं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 1 बटा एक्स ये ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 बटा एक्स, मतलब इस चीज को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 बटा x देखो आपको दिया है 4, अगर x माइनस 1 बटा x और आपको पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। और प्लस से माइनस पे जाने का तरीका अभी बताया था कि इसको रूट 16 लिख लो, इस 4 को लिख दो रूट 16, और प्लस से माइनस पे अगर जाना है यानी x माइनस 1 बटा x अगर निकालना है तो इसमें से 4 घटा दो रूट 12, ठीक है। तो x माइनस 1 बटा x आ जाएगा आपके, आपका कितना रूट 12। तो सवाल का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4√12। बट अगेन मैं आपको यहां बताऊंगा कि कई स्टूडेंट एक गलती करते हैं, इवन कई टीचर्स भी करते हैं, हम पे भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा, ये बार बार इस चीज पे फोकस करने के लिए बोलूंगा कि अगर कभी ये चीज आपसे पूछी जाए तो जरा अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखना, क्योंकि इस चीज को सॉल्व करने का केवल यही एकमात्र तरीका है कि आप इसको ब्रेक कर लें, ठीक है, यानी a प्लस बी में और a माइनस बी में। अगर आप यहां कंफ्यूज होके कुछ और फॉर्मूला लगा दिया आपने, जैसे कंफ्यूज कब होगे, जब यहां आपको माइनस लगेगा, जैसे जब कई बार मैं पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है यहां माइनस माइनस जल्दीबाजी में, तो फॉर्मूला गलत हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे सवाल को हमेशा इस प्रकार ही आपको करना है। उम्मीद है कि आपको बात मेरी पल्ले पड़ पाई होगी, अगर नहीं पढ़ पाई है तो और आगे देखो, धीरे धीरे बिल्कुल अंदर तक आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे अब देखो, यहां कह रहा है x माइनस 1 बटा x आपको 3 दिया है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपको माइनस से प्लस जाने का अभी मैंने जुगाड़ बताया था ना कि x प्लस 1 बटा x यहां कितना होगा, अगर माइनस है तो x प्लस कितना होगा। तो इसलिए आपको यहां क्या करना, ये जो x माइनस 1 बटा x 3 दिया है, क्या हम इसको x माइनस 1 बटा x बराबर रूट 9 लिख दूं क्या, ये जो यहां पर रूट 3 यहां केवल लिखा है, क्या मैं इसको रूट 9 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको माइनस से प्लस पर जाना है, तो अभी बताया था अगर आगे रूट है और माइनस से प्लस पे जाना है तो केवल इसमें 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका दोस्तों आ जाएगा रूट 13। अब आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, अब आपके पास देखो x प्लस 1 बटा x है कि रूट 13, और x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 3n होता है। भाई साहब रूट 13 का जब आप क्यूब करोगे तो 13 रूट 13 आएगा, माइनस 3 गुणा रूट 13 कर दोगे, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 10 रूट 13, आंसर कितना आ जाएगा 10 रूट 13, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, कई लोग का एक कंफ्यूजन यहां आया होगा कि ये सर रूट 13 का क्यूब जो है 13 रूट 13 कैसे हो गया, तो देखो बाबू एक नियम होता है, एक पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना कि अगर कभी रूट ए का आपको कोई क्यूब करवाए तो इसका क्यूब जो होता है ना वो हमेशा ए रूट ए के बराबर आता है।
देखो वैसे चीजें देखो बहुत सारी हैं, ये आप भी जानते हो, है ना। अब जितनी मैक्सिमम चीजें यहां मैं आपके लिए लिख पा रहा हूं वो लिख पा रहा हूं, ये तो चीजें तो बहुत हैं जो आपको हमेशा, अगर आप ये सोच रहे हो कि देखो केवल इस वीडियो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वीडियो सिलेक्शन में हेल्प करेगी आपकी। आपको चीजों को पढ़ना तो बिल्कुल जीरो लेवल से एक बार पूरा का पूरा सिलेबस पड़ेगा ही पड़ेगा, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड। ये आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये एग्जाम का समय, इस समय पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम वो चीजें जो मैं रिवाइज आपकी करा सकता हूं वो करा दूं, ठीक है। तो चीजें बहुत सारी हैं, जितनी यहां आती चली जा रही है वो हम आपको बताते चले जा रहे हैं। अब आप सभी लोग ऊपर देखो, अभी तक जो हमने सवाल किए वो x प्लस वन अपॉन x या x माइनस वन अपॉन x इस फॉर्मेट पर किए, पर जरूरी तो नहीं कि आपको x की पावर मतलब ए वन पावर x का दिया हो और बड़ी पावर निकालनी हो हमेशा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर चार यही निकाल, ऐसा तो नहीं। बड़ी पावर देकर छोटी पावर भी इन पूछा जा सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर यहां 27 दिया है और आपको x प्लस एक बटा x पूछ लिया गया। जब बड़ी पावर देकर छोटी पावर पूछा जाए तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस एक बटा x स्क्वायर यहां कितना है, वो है यहां पर 27। आपको क्या करना है, आपको जब बड़ी पावर से छोटी पावर पर जाना है तो इस पावर को स्क्वायर बनाने का प्रयास करना है, परफेक्ट स्क्वायर संपूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर में अगर हम दो और जोड़ दें और इधर भी अगर हम दो जोड़ दें तो पता है तुम्हें ये क्या बन गया मेरे दोस्त, ये क्या बन गया, ये एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर बन गया और बराबर में देखो 27 और 2 29 आ गया। अब आप ये स्क्वायर जब यहां से हटाएंगे तो सामने लग जाएगा जाकर रूट, और यही तो हमें निकालना था कि x प्लस एक बटा x कितना होगा, तो वो होगा √29। गहराई समझ पाए, तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा छोटी से बड़े पर जाना हो, बड़े से छोटे पर भी आना पड़ सकता है, उस केस में आपको प्लस टू या माइनस टू करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, जैसे मान लो ये एक सवाल होगा, अब इसमें इसने लिखा नहीं है कि निकालना क्या है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पता नहीं क्या, ये देखो यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 कितना दिया है, 194 दिया है, x की पावर 3 प्लस 1 बटा x की पावर 3 निकालना है, मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मतलब ये हुआ कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे जाना है। अब दोस्त बड़ी से छोटी पर कभी डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हो, मतलब कहने का ये है कि पहले आपको धीरे धीरे इस 4 को पावर को 1 सिंगल पावर पे लाना होगा, यानी x प्लस 1 बटा x तक लाना होगा, फिर वापस हम यहां पे चलेंगे x के ऊपर, यही तरीका है। इसके लिए क्या करना है गौर से देखो, जैसे x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 आपको दिया है 194, अगर हम इधर भी 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें तो ये बताओ ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है क्या ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखी हुई है क्या, और ये सामने 196 लिखा हुआ है। अच्छा अगर आप गौर से देखो तो 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर आप हटा दो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर 14 आ गया, बट हमें तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकालना है, हैं? तो क्या करोगे, फिर से इधर 2 जोड़ दो और फिर से इधर 2 जोड़ दो, ऐसा करने पर पता ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर और सामने 14 और 2 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर कट गया, मतलब x प्लस 1 बटे x का मान 4 आ गया, ठीक, x प्लस 1 बटा x का मान कितना आ गया 4। अब आपको x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब निकालना है जो कि होता है n क्यूब माइनस 3n, कब, जब x प्लस 1 बटा x का मान हो तब, तो यहां n का मान कितना आ गया फिर आपका 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 थी 12, 64 माइनस 12 करोगे 52 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बुद्धि में गया, भेजे में गया, तो एक बार यस सर लिख देना कमेंट बॉक्स में जब आप अभी ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही हो तो लिख देना सर मजा आ रहा है क्लियर हो रहा है, ठीक भाई। आगे देखो x प्लस 1 बटा x कितना दिया है यहां पर, आपको 5 दिया है और आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 1 बटा x स्क्वायर। अब यहां पे बड़ा आराम से प्लस दिया है माइनस निकालना है, गहराई नापो, कई बार गलती हो जाती है, बच्चा समझ भी नहीं पाता कि माइनस माइनस ही दिया हुआ है या प्लस प्लस दिया हुआ है, वही फॉर्मूला लगा देता है, नहीं, अभी बताया था जब भी एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो इसको तोड़कर लिख लो एक्स माइनस एक बटे एक्स में और एक्स प्लस एक बटे एक्स में, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ के लिख देंगे हम लोग। अब देखो एक्स प्लस एक बटा एक्स की तो वैल्यू आपको 5 दी हुई है, बस एक्स माइनस एक बटा एक्स की ओर
मिल जाए आंसर आ जाएगा। अब x प्लस से माइनस पर कैसे जंप करते हो ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था। ये जो 25 है क्या मैं इसको रूट 25 लिख दूं? मतलब ये जो 5 था वहां पर उस 5 को मैं रूट 25 लिख दूं क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो। और प्लस पे अब आपको माइनस पर जाना है तो x माइनस 1 बटा x क्या हो जाएगा, इसमें से 4 घटा देंगे यानी रूट 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे रूट 21, तो आंसर जो आपसे पूछा है वो आ जाएगा 5√21। गहराई नाप पाए तो एक बार यस सर दर्ज कराओ फुर्ती में, गहराई नाप पाए तो एक बार यस सर दर्ज कराओ जल्दी सभी साथी, ठीक है? उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। याद रखना हमेशा मेरे प्यारे भाई, जब भी ये पूछा जाए क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो इसको तोड़ के लिख लो ऐसे, एक्स माइनस एक बटा एक्स, एक्स प्लस एक बटा एक्स, और एक वैल्यू आपको दी गई होगी दूसरी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि प्लस से माइनस पे और माइनस से प्लस पे जंप करना मैंने आपको शुरुआत में सिखा दिया, ठीक है भाई? स्टार्टिंग में कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो सर हमें आते नहीं आते, आप ऊपर देखो ध्यान से सीखो सारी बातों को, ठीक? जैसे यहां देखो x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 कितना दिया है 322। पूछा क्या है x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब पूछा है। अब यहां कलेश रायता फैल जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बड़ी पावर को छोटी पावर में पहले तोड़ो। मतलब इधर आप क्या कर सकते हो, यहां पर यहां 2 जोड़ दो, यहां पर भी 2 जोड़ दो। तो आप मुझे बताओ ये जो पूरी वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और बराबर में 324, 324 होता 18 का स्क्वायर, तो 18 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 18 आ गया। अब जरा गौर से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 18 आ गया। अब हमें तो यहां माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, तो या तो माइनस वाली x माइनस 1 बटा x निकाल लो तो n क्यूब प्लस 3n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर हमें माइनस में निकालना है तो इधर भी माइनस 2 कर देंगे, इधर भी माइनस 2 कर देंगे। बाबू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस x 1 बटे x का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये कट गया स्क्वायर से स्क्वायर, ठीक है? अब मुझे बताओ कि x माइनस 1 बटा x का जो मान है क्या वो 4 हो गया? और ये चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई है, स्टार्टिंग में एक सवाल में जरूर बताई थी कि x माइनस 1 बटा x अगर 4 है और x क्यूब प्लस x माइनस मतलब x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब ही पूछा है, मतलब यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो उस केस में फिर जो फॉर्मूला n क्यूब माइनस 3n होता था वो n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 और प्लस का 4 3 12, आंसर आ जाएगा 76, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बोलिए, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे ये एक सवाल आ गया, इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी तकलीफ होती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तकलीफ जो है दूर कर पाऊं। गौर से देखना बाबू, जैसे 2x प्लस 1/7x आपको 4 दिया है और आपको निकालना 49x² प्लस 1/4x². अगर आप गौर से देखो तो जो नीचे यहां 7 लिखा है उसका स्क्वायर ये 49 है और जो ऊपर यहां 2 लिखा है उसका यहां ये नीचे लिखा है 4x, मतलब ये स्क्वायर उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। इनको सीधा सीधा लिखने के बाद ही ये सवाल बन सकता है। तो आप क्या करो, आप 2x प्लस 1/7x बराबर जो 4 दिया है उसको आप मेरे कहने से ऐसे लिख दो। अब आपको पता है कि आपको ऊपर अगर 7 मिल जाए तो 7 का डायरेक्ट स्क्वायर यहां 49 लिखा हुआ है, तो ऊपर 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 का, और अगर हमने इधर मल्टीप्लाई 7/2 का किया है तो हमें इधर भी करना पड़ेगा जिससे कि कट जाए तो कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन पर, ठीक है? ऐसा करने से देखो क्या होगा, जैसे ही आप इसका अंदर गुणा करोगे 2 से 2 कट के 7x बचेगा यहां पर केवल, प्लस जैसे ही 7/2 का आप यहां गुणा करोगे 7/2, 7 से 7 कट के यहां 1/2x बचेगा, बराबर आप इस 2 से 4 को 2 बार काट देंगे 7 दूनी यहां पे 14 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, 7x प्लस 1/2x 14 आ गया। अब पता है इसका स्क्वायर पूछा है ये आपसे, आप इसका स्क्वायर करो 7x का स्क्वायर 49x², 2x का स्क्वायर 4x², अब मामला सेट हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब आपको बस इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे वहां पर स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो 49x² है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो 1/4x² आएगा और प्लस का 2ab लगाओगे तो 2 × a का मान 7x है, b का मान 1/2x है, बराबर 14 का स्क्वायर 196। मेरे भाई x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 घटा दो उधर जाके 196 में से, तो 189 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 189। समझ में आ गया कहानी पूरी? बोलिए, अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो इस प्रकार से करेंगे, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब
एक ये ऐसा हमने आपको कराया, एक ये ऐसा आपको करना है। और इस वीडियो के कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना इस सवाल का। मैं अभी आगे बढ़ता हूं, अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। तो एक हमने करा दिया, एक आप करना। जैसे 3 का स्क्वायर 9 लिखा है, 4 का 16। अब आप देख लेना आपको कितने का गुणा करना है। चलो मैं बता देता हूं आपको गुणा कितने का करना पड़ेगा। आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा 3/4 का, क्योंकि 4 से 4 काटोगे तभी तो ऊपर 3 बचेगा। तो 3/4 का दोनों तरफ गुणा करना, सही जवाब बताने का प्रयास करना, ठीक है। अब ये एक फैक्ट का सवाल होता है। तो वैसे तो कई सारे फैक्ट होते हैं अलजेब्रा में, जो मैंने अपने यकीन फाउंडेशन बैच में सारी चीजें बिल्कुल डिटेल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई हैं। बट ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हल्का सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर जीवन में कभी भी एक्स प्लस 1/x आपको 2 दिया हो, तो बाबू हमेशा याद रखना कि वहां एक्स की वैल्यू 1 मानी जाती है। और अगर जीवन में कभी एक्स प्लस 1/x का मान आपको -2 दिया हो, तो वहां एक्स की वैल्यू -1 मानी जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। रख लिया ध्यान? अभी तो नहीं रख पाया होगा, तो फिलहाल मैंने लिख दिया। अब आप गौर से देखो सवाल क्या पूछा गया है। सवाल पूछा गया a प्लस 1/2 है, तो a की पावर 100 प्लस 1/100 क्या होगा। एक बात बताओ, अगर a प्लस 1/2 है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि a का मान 1 होगा, 1 पे पावर 100 वन ही रहेगा, जोड़ देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी पर आधारित ये वाला सवाल मैं आपको एक कराता हूं कि a प्लस 1/1 कितना है यहां पर 2, तो आप मुझे बताओ यहां a का मान कितना होगा, a का मान होगा यहां पर 1। तो आप बताओ पहले सवाल का आंसर क्या आएगा, 1 पे पावर इवन, यानी कि दोनों जगह जुड़ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। यहां 1 पे पावर 49 1 रहेगा, 1 पे पावर 49 1 रहेगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहां देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो 2, 0, 4 आपका आंसर आ गया। इस पर आधारित ऐसा सवाल ये वाला देखो, a प्लस 1/2 अगर -2 दिया है, तो अभी मैंने आपको बाबू बताया था कि यहां अगर -2 दिया है तो a का मान होगा -1। अगर -2 दिया है तो a का मान -1 होगा। अब -1 पे इवन पावर है, तो -1 की जब इवन पावर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, यहां पर भी -1 पे इवन पावर है, यहां पर भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा सवाल का, इसका आंसर आएगा भैया 2, ठीक है भाई। ऐसे यहां आ जाओ, जैसे अब देखो इस सवाल में कई बच्चों को काफी चीजें समझ में और आ जाएंगी। अगर a प्लस 1/a आपको -2 दिया है, तो अभी मैंने बताया कि a का मान कितना होगा, यहां पर -1 होगा। अब -1 पे पावर ऑड नंबर, तो -1 पे जब ऑड नंबर का पावर होता है तो -1 ही रहता है, ये भी -1 रहेगा। तो पहले सवाल का जो यहां सही जवाब आएगा वो आएगा भैया -2, समझे, यही पॉइंट होता है यहां पर भाई। बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं। अब देखो देखो a का मान -1 है ना, तो -1 पे पावर है इवन नंबर, 32 इवन है तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन 31 ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर यहां पे 0, समझ गए गहराई। ऐसे देखो यहां देखो इवन पावर है तो +1, ऑड पावर है -1, इवन पावर है +1, ऑड पावर है -1, और +1 ये आपका लास्ट में, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इस लास्ट वाले का, 1। तो सवाल का सही जवाब आएगा -201, यानी ए ऑप्शन, ठीक है भाई। तो इसमें और भी कई सारे सवाल हैं, बट वो तब होंगे जब मैं और फैक्ट आपको पढ़ा दूंगा, उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं और आपको क्लास आगे देने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। कुछ फैक्ट है मेरा मन है इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं यहां पर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अगर x प्लस 1/x कभी जीवन में बाबू आपको √3 दिया हो, तो ध्यान रखना कि ऐसे केस में x² + 1/x² हमेशा 1 होता है। x² + 1/x³ जो है वो 0 होता है, और x⁶ जो है वो -1 होता है। ये इसी कॉन्सेप्ट से निकले सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। ऐसे ही भैया अगर x + 1/x आपको कभी 1 दिया हो, 1, तो ध्यान रखना ऐसे केस में x³ जो होता है वो -1 होता है। और अगर x + 1/x का मान आपको -1 दिया हो, तो ऐसे केस में जो x³ होता है वो +1 हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं। जैसे इस वाले फैक्ट का एक सवाल कराता हूं मैं आपको कि x + 1/x 1 दिया, x³ -1 है। जैसे ये सवाल कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी जब आपने अभी फॉर्मूला बताया था तो 6 पावर तक बताया था, अब यहां तो प्लस में ही है दोनों जगह, लेकिन अब पावर तो 15 लगी हुई है, इसका हम कैसे आंसर करेंगे। तो ना करो, अगर a + 1/a 1 है तो a का क्यूब कितना होगा, -1 होगा। ये कॉन्सेप्ट देखो अभी यहां बताया है कि अगर x + 1/x 1 है तो x³ -1 होगा। इसका प्रूफ भी है, मैंने यकीन वैश में पूरा प्रूफ भी कराया। अगर मैं यहां प्रूफ कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट रिजल्ट को समझने वाले बच्चे का फायदा होगा। मैंने कहा कि ये आपका नियम है, तो
तो अगर एक प्लस एक बटा आपको वन दिया तो एक या क्यूब कितना होगा माइनस वन। अब एक बात बताओ, एक ही पावर 15 को हम लोग एक ही 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसको भी एक ही पावर 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखना मजा आ जाएगा, एक क्यूब हटाओ, एक क्यूब हटाओ, एक क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस वन लगाओ, माइनस वन लगाओ, ये माइनस वन पे ऑड पावर माइनस वन ही रहेगा, माइनस वन पे ऑड पावर पावर माइनस वन ही रहेगा। सवाल का सही जवाब क्या आएगा, माइनस टू, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा का। मैंने एक्स वाला फॉर्म कवर किया है एलिमेंट्री अलजेब्रा में, जैसे ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब वाला जो फॉर्म होता है, फॉर्मूले और भी अलजेब्रा के जो कई सारे सवाल बनते हैं वो दूसरा एक कैटेगरी है। तो पूरा का पूरा अगर कराएंगे तो अलजेब्रा हमने अपने पेड कोर्स में लगभग यकीन बैच में और ड्रीम रेलवे बैच में मिलाकर शायद 10 क्लासों में 10 घंटों में पढ़ाया है पूरा अलजेब्रा। तो ये एक वीडियो थी जिससे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मतलब रिवाइज करा रहा हूं चीजें, क्लियर कर रहा हूं चीजें। ठीक है, बाकी अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, आपका स्वागत है हमारे एप्लीकेशन पर। सभी साथी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस क्लास को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास, और वो जो एक होमवर्क दिया था उसका आंसर भी बताना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। कल शाम को 8:30 बजे नल और टंकी चैप्टर की मैं मैराथन लेने जा रहा हूं, पूरा चैप्टर एक ही मैराथन में कवर करूंगा। ठीक है, कैलेंडर कल मैंने रीजनिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, उसको जाकर देख लेना। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है आप हमारे साथ जुड़िए, मेरा वादा है कि मैथ रीजनिंग में तुमको राजा बना दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जुड़िए हमारे साथ, अगर रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना है तो यकीन बैच में जुड़िएगा, और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही चीजें आपको चाहिए तो ड्रीम रेलवे बैच में आपको जुड़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए स्वागत है आपका। लव यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, ओके, टाटा।